बोल देना। इंडियन का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, बहुत से ऑर्डर हमें मिले हैं, यहाँ पे भी बहुत सा हमने सैम्पल लाया था, वो भी सारा फेल हो गया है, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग भी लिया है। एग्जेम्पलरी वर्क इन GI फील्ड फॉर मेनी मेनी इयर्स। सर ओके प्लीज सर गुड थैंक यू। मेरा नाम मार्शल शाइन है, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इंडिया GI फेयर में आया हुआ है। मैं लेके आया हूँ यहाँ पे काला चावल, वो काला चावल तो यहाँ पे हम लोग पहले दिन से लेके आज तीसरी दिन है, उस पर ज़्यादा मात्रा से लोग यहाँ से इतना खुशी खुश हो के हमारा सामान जो है बहुत डिमांड में है। अभी हम लोग जितना लेके आए तो उसका दुगुना तीन गुना उसका डिमांड आ रहा है। अभी हमारे पास थर्ड डे लास्ट डे में भी अभी हमारा सामान अभी बहुत शॉर्ट हो गया है। इसके कारण अभी सितंबर के 1-2-3 तारीख उसमें बायोफेक है, उस पर भी हम शामिल करेंगे, उस पर हम लोग ज़्यादा मात्रा से हमारा जो सामान है वो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नोएडा का क्राउड और दिल्ली का क्राउड ने इतना प्यार दिया हम लोग को, तो हमारा सौभाग्य ये है कि वो लोग हम सेवा कर पाएंगे। जो जितना भी है यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं, और अभी तीन दिन में हमको इतना बायर्स इंडिया के अंदर का, इंडिया के बाहर का उतना मिला और इतना कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं अभी तीन दिन में। तो आप इसलिए जो इंडिया GI फेयर है उनके जो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और फेस वार्ता और सर का चैनल को भी मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद सर। जो काले चावल की बात करें तो इसकी जो पैदावार है वो आपके कहाँ पर होती है और इसकी कितनी प्रजातियाँ? सर जो काला चावल है वो सिर्फ इम्फाल के इम्फाल मणिपुर में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में उगता है, ज़्यादातर इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट में, पर उसमें दो प्रकार होते हैं। एक नाम है चखाओ मूवी, एक नाम है चखाओ बोरितो। जो ज़्यादातर बाहर का आदमी लोग उसको चाहा अमूबी को ज़्यादा एक पसंद करते हैं, उसका कलर थोड़ा काला रहता है, और जो कोरेतो नहीं उसका थोड़ा लाल कलर का होता है। या एक्सो मार्ट में फेयर में कौन सी वैरायटी है ज़्यादा पसंद? वैरायटी अभी दोनों लेके आया था, पर वो जो चाहा अमूबी है उसका ज़्यादा डिमांड है, तो अभी हमारे पास अभी लास्ट डे हैं, पर हम लोग को कुछ देने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं है, अभी कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ खाली बैठे हैं। वैसे मतलब काफ़ी मांग है, काफ़ी एक जो एक पॉपुलरिटी आपको मिली है। जी 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 यहाँ इस फेयर में। जी 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 सर, इतना प्यार मिला है कि अभी हमारा स्टॉल एकदम खाली पड़ा है, हम लोग खाली बैठे हुए हैं। आप दोनों की इतना सपोर्ट मिला है सर, आप लोग ने हमारा ब्लैक राइस को प्रमोट किया है, उसी के कारण सर अभी एकदम खाली करके हम लोग बैठे हैं। अच्छा, ब्लैक राइस किस किस उसमें खाने में प्रयोग में आया जाता सर? ये ज़्यादातर यहाँ का जो नॉर्थ इंडियन के जो आदमी हो गए वो लोग खीर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि खीर इसके बनता है सर, उसका एक अरोमा निकलता है सर। अच्छा, वही अरोमा के कारण आदमी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस पर 80% बहुत हाई है, ऊपर से सर प्रोटीन का लेवल। अच्छा, जो हम लोग ब्राउन राइस में मिलते हैं उसका 3 गुना ज़्यादा मिलता है उसको, इसके कारण सब ब्राउन राइस को छोड़ के ज़्यादातर अभी ब्लैक राइस में आदमी लोग का होने लग गया है। जैसे कि प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन की भी पूर्ति करता है। जी जी सर, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है सर, जैसे कि आप यहाँ हमारा बोर्ड पे देखा रहेगा, फैट का परसेंटेज है वो बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कभी देखिए, एनर्जी का भी सर, उसी के कारण उसका जो बेनिफिट है ब्लैक राइस खाने का वो बहुत अभी इंडिया में डिमांड होने लग गया है। ऐसे ऐसे करके सर ये जो ये साल जो है इसी के अंदर कम से कम हम लोग का जो फार्मर्स हैं, जितना भी फार्मर हम लोग काम कर रहे हैं उसी के भी हम लोग दुगना
तीन गुना ज़्यादा अभी हम लोग फार्मर से भी प्रमोट करके हमारा सामान का जो है डिमांड ज़्यादा होने के कारण हम लोग उसका ज़्यादा वॉल्यूम में अभी काम करने के प्रयास कर रहे हैं। अगला जो फेयर यहाँ एक्सपो मार्ट में ही होने जा रहा है, तो फेयर कौन सा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी सर, ये जो सितंबर के एक तारीख से लेकर 3 तारीख तक है, उसका नाम है बायोफेक। उसमें मैं मणिपुर को रिप्रेजेंट करके ब्लैक राइस का मतलब ब्लैक राइस को रिप्रेजेंट करके एग्रीकल्चर ऑफ मणिपुर MOVCD का नाम से हम लोग आएंगे। फिर से अभी हम लोग जो आया हैं ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मणिपुर ने भेजे हैं, तो ये ख़त्म होके अभी 1-2-3 का तारीख जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे ब्लैक राइस का। थैंक यू। कॉफी के लिए बहुत आई है, फॉर मेनी एंड ऑल्सो इंस्टेंट कॉफी।